अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अजमी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक 5 जून से सोन 11 जून तक है। एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन काफ़ी फेवरेबल हो चुकी है कैंसेरियंस आपके लिए। सैटर्न के रेट्रोग्रेड हो जाने के बाद 4 तारीख को सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, वो थ्रेट्स जो आपके लिए लॉसेस की वजह बन रहे थे, वो थ्रेट्स जो आपको फियरफुल कर रहे थे, वो थ्रेट्स जो आपको डिजीजेज़ की तरफ लेकर जा रहे थे, वो सारे रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न के बाद डाउन हो गए। एंड यू आर ऑन हायर पोजीशन, टाइम बिहेवियर अब आपको फेवर करेंगे। सो एक प्रॉब्लम जो पिछले कुछ महीनों से चलती आ रही थी, यानी कि ये 2.5 साल से चलती आ रही थी, और हर साल 5 महीने का रिलीफ मिलता है आपको, और इस साल ये 5 महीने का रिलीफ सैटर्न का 4 जून से 23 अक्टूबर तक मिल चुका। अब आप रोज़ बरोज़ अच्छे होते जाएंगे। इस रोज़ बरोज़ अच्छाई में शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स भी हिस्सा ले रहे हैं, जैसे वीनस आपके 11th एंगल पर है और वो 11th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी वीनस कभी भी सुने, मुझसे सुने या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप सुने कि वीनस आपके टॉरस एंगल पर आ गया, तो समझें आपकी ज़िंदगी में जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस का दौर शुरू हो गया। आप रिस्क ले सकते हैं, आप इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, आप इमोशनल ग्रोथ फील करेंगे, सेटिस्फैक्शन फील करेंगे, प्लेजर्स फील करेंगे, ब्यूटी लविंग नेचर फील करेंगे, आपकी ज़ात में नफासत आती जाएगी, आपका फेस वैल्यू बढ़ता जाएगा, आपकी अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज़ कर जाएंगी। वीनस इतने फ़ायदे देता है, और इस वक्त वीनस आपके 11th एंगल पर मुयस्सर। आपको हर उस काम में हिस्सा लेना चाहिए जिस जो काम आपकी ड्रीम, आपकी ख्वाहिशें, आपकी ख्वाबों पर मबनी था, उसके कामयाब होने में आपकी अपनी सलाहियतें प्लस गोल्डन टाइम, ये एक बड़ी सक्सेस की वजह बन सकता है। फिर आपके लिए मार्स इस साल की ताकतवर 3 पोजीशन पर है। 2022 में मार्स आपके 10th एंगल से गुजर रहा है। मार्स 24 मई से 10th एंगल पर है, ये ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट टर्म है, तकरीबन 6 से 8 हफ्ते रहेगा 10th एंगल पर, फिर अगले साल नहीं आएगा, फिर उससे अगले साल आएगा। लिहाजा इन 6 हफ्तों में कारोबारी आगाज करना, जॉब स्विच करना, मल्टीटास्किंग करना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजंस लेना, किसी से मुकाबला करना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, यू आर ऑन विनिंग साइड, आपके चांस ऑफ विन जो है वो ज़्यादा हैं। मार्स के 10th एंगल पर आने की वजह से आप लव लाइफ में भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, स्ट्रेंथ फील करेंगे। ये आपके 5th एंगल का भी रिस्पॉन्सिबल होता है, डील मेकिंग का, पब्लिक एक्टिविटीज़ का, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ का। इस वक्त यू आर ऑन योर बेस्ट कैंसेरियंस। फिर एक ही चीज़ डैमेज दे रही थी पिछले कुछ सालों से, जो आपको कुछ कमज़ोर करती थी, जो आपको खौफ ज़दा करती थी, वो सैटर्न था। अब वो भी रेट्रोग्रेड हो गया। कम अज़ कम आप अगले 4 महीने तक तो हाई रिस्क टेकिंग कर सकते हैं, बिग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, एंड ऐसे इकदामात में हिस्सा ले सकते हैं जो इकदामात पहले आपको लगता था कि आपसे हो नहीं पाएंगे। ऑल टाइप ऑफ इकदामात, जैसे आपको लगता था मैं इन्वेस्ट करूंगा तो कहीं नुकसान ना हो जाए, अब इस बात के पूरे चांसेस हैं कि बल्कि 90% चांसेस हैं कि आपको नुकसान नहीं होगा, स्पेशली इन प्रॉपर्टी साइड, इन लोहा एंड टेक्सटाइल, आयरन एंड टेक्सटाइल, इन साइडों पर आपके लॉस चांसेस बहुत कम है। आईटी में भी आपकी एक्सपेक्टेशन, या फिर स्टॉक एक्सचेंज में आपकी एक्सपेक्टेशन, इस वक्त बाय करना, इस वक्त सेल करना अच्छा रहेगा। इन सब सिचुएशंस को हम लोग, और जुपिटर भी, सॉरी वो बात इतनी बड़ी रह जाती, जिस एंगल पर मार्स है उसी एंगल पर जुपिटर है, दोनों 10वें घर में। जुपिटर तो अभी जुलाई के मिड तक डायरेक्ट है, वो भी फिर रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आपको मार्स सपोर्टिव रहेगा, एंड आपको इस चीज़ को अभी कैश करना चाहिए तेज़ी से। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कसक है आगे बढ़ने की, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी जज्बा है कुछ बड़ा करने का, अगर आपके पास थोड़ा सा भी जज्बा है अपनी शोहरत को इन्हेंस करने का, तो दिस इज़ द राइट टाइम, एज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, परफॉर्म करिए एंड कामयाबियां हासिल करिए। नेचर इस वक्त आप पर मेहरबान है, आपको कमी कोई नहीं है। कोई ऐसी सेंसिटिविटी जब सैटर्न आपके 8th एंगल पर था, डायरेक्ट था, कोई मुकदमा बन गया हो, कोई कर्जा हो गया हो,
किसी तरह की कोई इंसल्ट हो गई हो, किसी तरह की कोई डिजीज़ लाहक हो गई हो, तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि रूबी स्टोन कंसीडर करें, सफ़ेद रंग का सदका जुम्मे के दिन दें, काले रंग को अवॉइड करें, सूरह शम्स 5 दफ़ा कम अज़ कम एक दिन में ज़रूर पढ़ें, उससे वो सैटर्न की जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे वो रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपने रमज़ान सीज़न से ऑलरेडी रूबी पहना हुआ है, सूरह शम्स पढ़ रहे हैं, तो उसे कंटिन्यू करिए, कोई कमी नहीं आएगी। बट अगर ये सब कर रहे हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हुई, एक महीने से ज़्यादा हो चुका सूरह शम्स पढ़ते हुए, रूबी पहने हुए, तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए कैंसेरियन, उससे फिर ये बात वाजे हो जाएगी कि कोई अदरवाइज सेंसिटिविटी होगी, जैसे बाय बर्थ रेट्रोग्रेशंस या बाय बर्थ कोई सेंसिटिविटीज़, फिर वो इंडिविजुअल कैलकुलेशन से कन्फर्म हो जाती है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते अब मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे, उनकी तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएँ हमारे लिए बहुत कीमती हैं कैंसेरियंस। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने कृपा।